सरकार के आखिरी पूर्ण बजट पर पूरे देश की निगाहें थी और उम्मीद के मुताबिक ये बजट काफी लोक लुभावना भी रहा। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई घोषणाएं की। शिक्षा को लेकर भी बजट में खास ध्यान दिया गया है। जेटली ने वडोदरा में विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा की है और इसी के साथ ही हर साल 1,00,000 बीटेक स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक एक शिक्षा नीति लाने का ऐलान है और आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा है। बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।